नमस्कार। सुबह के पहले न्यूज शो आज की पहली खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी हेडलाइंस पर। कर्नाटक में आज बीजेपी की चिंतन बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा का अल्टीमेटम। येदुरप्पा ने मांग की है कि अगर 27 फरवरी तक उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपा गया तो वो आगे की दिशा खुद तय करेंगे। दिल्ली के अस्पताल में नवजात बच्चों की खरीद बिक्री के खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने रोहिणी के चोपड़ा आईएन मैटर्निटी सेंटर में तफ्तीश की। इंडिया टीवी के स्टिंग ऑपरेशन के बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मध्य प्रदेश के गुना में सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला। घूस नहीं देने पर अस्पताल के परिसर में ही हो गई डिलीवरी। नवजात बच्चे के पैर को सुअर ने चबाकर जख्मी किया। दिल्ली के पश्चिम विहार में पुलिस के जवान ने रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 25 साल के एस पीएसओ के हाल में ही शादी हुई थी। खुदकुशी की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। मुंबई के ब्रिज कांड इलाके में एक बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या। अपनी दो नौकरानियों के झगड़े में बीच बचाव करना पड़ा महंगा। दोनों में से एक ने बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या की। दोनों नौकरानियों की हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इंदौर में एक मूक बधिर महिला के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। 3 दबंगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर में एक सप्ताह में गैंगरेप की यह दूसरी घटना है। दिल्ली के लिबासपुर मार्केट इलाके में एक शख्स पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी। मृतक के हाथ पर सोनू लिखा है और उसकी उम्र लगभग 30 साल बताई जा रही है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। ब्राजील के उत्तरी इलाके में एक हेलीकॉप्टर उड़ने से पहले ही 3 टुकड़ों में बट गया। हेलीकॉप्टर के इंजन के स्टार्ट किए अभी कुछ सेकेंड ही हुआ था कि वो खड़े खड़े ही टूट गया। पायलट सहित 4 लोगों की जान बाल बाल बची। अमिताभ बच्चन को 14 दिन बाद अस्पताल से कल छुट्टी मिल गई। मुंबई के सेवन हिल्स अस्पताल में अमिताभ का 11 फरवरी को हर्निया का ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद उन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही आराम करने की सलाह दी गई थी। टेस्ट सीरीज मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच हॉबर्ट में मैच। आज के मैच में भारत की नजर। ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों में 14 अंक के साथ टॉप पर है। श्रीलंका के 11 अंक। आज सुबह की पहली खबर। राजधानी दिल्ली के कापस हेड़ा बॉर्डर के पास एक कबाड़ी के गोदाम में बीती रात आग लगने से लाखों की संपत्ति खाक हो गई, जबकि 2 लोग झुलसकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। रात करीब 11 बजे यहां आग लगने की जानकारी मिलने के बाद लोगों ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। कुछ ही देर में दमकल की 12 गाड़ियां यहां पहुंची और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह क्या है फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। तो दिल्ली के कापस हेड़ा इलाके की यह घटना है, जहां पर एक कबाड़ी के दुकान में ये आग लग गई, गोदाम में ये आग लगी है। आग किस वजह से लगी है इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। देर रात ये आग लगी है। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। राजधानी दिल्ली बीती रात एक के बाद एक कई वारदात से दहल उठी। वहीं कहीं मार्केट में मर्डर हुआ तो कहीं दिल्ली पुलिस के अफसर ने कर ली सुसाइड। कहीं पुलिस के हाथ लगे डकैत तो कहीं गैंगरेप ने दिल्ली को शर्मिंदा कर दिया। राजधानी दिल्ली में बीती रात दहशत की 4 तस्वीरें देखी। पहले में है मार्केट में मर्डर, दूसरी तस्वीर में देखिए पुलिस के हत्थे चढ़े 6 डकैत, तीसरा एक वर्दी वाले का सुसाइड और चौथा बिहार की एक नाबालिग लड़की को दिल्ली लाकर गैंगरेप किया गया। मर्डर, सुसाइड और गैंगरेप की वारदात से दिल्ली सहम उठी। दिल्ली का लिबासपुर मार्केट कल रात गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। मार्केट की छत पर एक युवक की लाश मिली, जिसे अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया था। मृतक के हाथ पर सोने लिखा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल बताई जा रही है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि यह मर्डर किसने और क्यों किया है। मार्केट की छत पर सट्टे का काला कारोबार चलता था। आशंका है कि इसी के चक्कर में यह मर्डर हो गया है। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया है। हमने सुना है कि एक बंदे को यहाँ गोली लगी है, वो लूटपाट की हुई है। लूटपाट तो पता नहीं, पूरी खबर का पता नहीं। हमें इतना पता है कि सिर्फ एक बंदे, हमें कहा कि 4 गोलियां लगी हैं। उधर पश्चिम विहार में दिल्ली पुलिस के एक पीएसओ ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि पीएसओ पंकज कुमार की हाल ही में शादी हुई थी। खुदकुशी की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। सर, वजह तो पता लगा है, पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन वो घर की कोई बात बताते हैं, घर की कोई प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से उसने ऐसा किया। उधर 13 साल की एक लड़की से 3 महीने तक गैंगरेप के मामले ने सनसनी मचा दी।
सातवीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की बिहार के सिवान से किडनैप कर दिल्ली लाई गई थी और उसके साथ चार लोगों ने ठिकाने बदल बदल कर 3 महीने तक गैंगरेप किया। नाबालिग लड़की को कैद में रखा गया था, उसे नशे का इंजेक्शन देकर उससे बलात्कार किया जाता था। 13 साल की ये लड़की गर्भवती भी हो गई थी। फिलहाल एनजीओ की मदद से लड़की को आजाद करा लिया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बलात्कार के आरोपियों में पीड़ित लड़की का रिश्ते का चाचा भी शामिल है। उधर दिल्ली पुलिस ने कैंट इलाके में डकैती करने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लूटपाट और वाहन चोरी करने वाले इस बड़े गैंग के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और लूटी गई कार, बाइक और कैश बरामद किए हैं। राजेंद्र कुमार के साथ मनोज गुप्ता, इंडिया टीवी, दिल्ली। और मुंबई में भी 2 नौकरानियों के झगड़े में एक बुजुर्ग महिला की हत्या हो गई। ब्रिज कैंडी बिल्डिंग के पास रहने वाली 68 साल की बुजुर्ग हसन सुखवानी की 2 नौकरानियों में कल किसी बात को लेकर हाथापाई हो गई। इस पर जब बुजुर्ग महिला ने बीच बचाव किया तो एक नौकरानी ने उनका गला दबा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तो 68 साल के एक बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मुंबई के ब्रिज कैंडी इलाके की यह घटना है। ब्रिज कैंडी बिल्डिंग के पास बुजुर्ग महिला की हत्या हुई। कर्नाटक बीजेपी पर एक बार फिर मंडराने लगा है खतरा। इस बार ये खतरा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा की ओर से आया है। पार्टी की चिंतन मंथन बैठक के एक दिन पहले ही उन्होंने पार्टी आला कमान को चेतावनी दी है कि अगर 27 फरवरी तक उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपा गया तो वह अपनी आगे की दिशा खुद तय करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। लोकायुक्त की रिपोर्ट में दोषी ठहराए जाने के बाद मुख्यमंत्री पद से हटाए गए बीएस येदुरप्पा हर हाल में सीएम की कुर्सी पर दोबारा काबिज होने की कोशिश में हैं। वहीं पार्टी आला कमान राज्य के विधायकों और सांसदों को समझाने बुझाने की कोशिश में लगा हुआ है और उसे लगता है कि इस बार भी येदुरप्पा को मना लिया जाएगा। कर्नाटक में येदुरप्पा की नाराजगी से निपटने की कोशिशों में लगी बीजेपी आज से 2 दिन की चिंतन मंथन बैठक का आयोजन करने जा रही है। पार्टी आलाकमान को लगता है कि इस बैठक की मदद से पार्टी के सांसदों और विधायकों को एकजुट रखने में मदद मिलेगी। इस बैठक को खुद पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी संबोधित करने वाले हैं और इसके लिए वो बीती रात ही बेंगलोर पहुंच भी गए हैं, लेकिन इस बैठक के एक दिन पहले ही येदुरप्पा ने शक्ति प्रदर्शन कर साफ कर दिया कि वो आलाकमान से अपनी बात मनवा कर ही रहेंगे। गुरुवार को येदुरप्पा ने रेसकोर्स पर अपने समर्थक विधायकों की एक बैठक बुलाई और सूत्रों की माने तो बैठक में ही उन्होंने साफ कर दिया कि अगर उन्हें 27 फरवरी तक दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो आगे पार्टी आलाकमान की बात सुनने की जगह अपना रास्ता खुद तय करेंगे। येदुरप्पा के घर हुई इस बैठक में राज्य विधायक दल के 122 सदस्यों में से 65 से ज्यादा विधायक शामिल हुए थे। हालांकि बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने साफ किया कि वो आलाकमान के निर्देश के मुताबिक ही चलेंगे। Whatever the national leaders take the decision, we are all follow that one also. मीडिया के सामने बीजेपी नेता चाहे जो भी कहें, लेकिन इतना साफ है कि चिंतन मंथन बैठक के ठीक एक दिन पहले येदुरप्पा ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर आला कमान को इस बात का इशारा दे दिया है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, तो इसका असर राज्य सरकार के भविष्य पर भी पड़ सकता है। मुंबई के सेवन हिल्स अस्पताल से 14 दिन बाद कल रात अमिताभ बच्चन डिस्चार्ज हो गए। 11 फरवरी को अमिताभ बच्चन का मुंबई के सेवन हिल्स अस्पताल में हार्निया का ऑपरेशन किया गया था। बीच में अमिताभ की तबीयत बिगड़ने की खबर भी आई थी। सेवन हिल्स अस्पताल के गेट पर रात 9:30 बजे के आसपास अमिताभ बच्चन की ये गाड़ी आकर रुकी और बिना देर किए अमिताभ तुरंत अस्पताल से बाहर निकलते नजर आए। अमिताभ की चाल में 13 दिन बाद घर लौटने की जल्दी साफ दिखी। तेज कदमों से चलते हुए अमिताभ पत्नी जया बच्चन और सेक्रेटरी दीपक सावंत के साथ अस्पताल से बाहर निकले। अस्पताल से बाहर निकलते ही उनके फैंस ने जब महानायक की खैर खबर जाननी चाही तो अमिताभ ने हाथ हिलाकर लोगों को अपने सेहतमंद होने का भरोसा दिलाया। जैसे ही अमिताभ गाड़ी में बैठकर अस्पताल से बाहर निकले, प्रशंसकों ने उनकी कार को घेर लिया, जिसके बाद अमिताभ ने कार में बैठकर ही फैंस की तरफ हाथ हिलाया और घर के लिए रवाना हो गए। अस्पताल से घर तक रास्ते में कई प्रशंसकों के अलावा मीडिया भी अमिताभ के साथ साथ ही रहा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अमिताभ सबसे पहले अपने घर प्रतीक्षा गए। प्रतीक्षा के बाद अमिताभ सीधे जलसा की ओर निकल पड़े, जहां पहले से ही उनके प्रशंसक अपने इस हीरो का इंतजार कर रहे थे। यहां भी अमिताभ ने गाड़ी में बैठे बैठे ही फैंस को हाथ हिलाकर उनकी दुआओं के लिए धन्यवाद दिया।
अमिताभ के अंदर जाने के कुछ ही समय बाद वहां अभिषेक बच्चन भी पहुंचे, लेकिन वो भी बिना किसी से बात किए सीधे घर के अंदर चले गए। 13 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद देर शाम अमिताभ बच्चन को डिस्चार्ज कर दिया गया। अमिताभ अब अपने घर जलसा में हैं और स्वस्थ तथा पहले से काफी बेहतर हैं। उन्हीं के शब्दों में कहें तो उन्हें कुछ और समय लगेगा पूरी तरह से स्वस्थ होने में। कैमरामैन नीलेश के साथ इमरान शेख और सुमित शर्मा, इंडिया टीवी, मुंबई। इंदौर में एक मूक बधिर महिला को दबंगों ने उसके घर से अगवा कर गैंगरेप का शिकार बनाया। इंदौर में एक हफ्ते में गैंगरेप का यह दूसरा मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने इशारों से अपने साथ हुए अत्याचार का बयान किया, तब जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इंदौर में महिलाओं की इज्जत महफूज नहीं रह गई है। एक हफ्ते में दूसरी बार यहाँ गैंगरेप हुआ है। इस बार गैंगरेप का शिकार एक मूक बधिर महिला हुई है। इंदौर जिले के देपालपुर के लिम्बोदा पार गांव की इस शादीशुदा महिला के साथ तीन दबंगों ने गैंगरेप किया है। पीड़ित महिला सुन और बोल नहीं सकती, इसी का फायदा उठाकर दबंगों ने उसे अपने घर से अगवा कर लिया और पास के एक सरकारी गोदाम में ले गए। यहां तीनों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़ित महिला ने अपने पति को अत्याचार की बात बतानी चाहिए, लेकिन वो समझ नहीं सका। गुरुवार को पीड़ित महिला ने पति को ठीक से पूरी बात समझाई, तब वो उसे सीधा लेकर पुलिस थाने जा पहुंचा। कंडा क्लब के पीछे पछवाड़े वहाँ पे अपनी सोसाइटी बनी हुई, वहाँ पे मतलब ये तीन जने थे, वहाँ पे वो दरवाजा खोल लिया इनने और इसको खींच गए अंदर, तो उसके साथ बलात्कार किया। कौन लोग वहाँ गांव के थे। 8 फरवरी को हुई इस घटना के बाद से तीनों आरोपी फरार हैं। पुलिस ने पीड़ित महिला का मेडिकल कराकर मामला दर्ज कर लिया है। मतलब रेप हुआ उसके मामले में रिपोर्ट इनके मिस्टर ने कराई थी, ये तो बोलती करती नहीं है। जैसे ऐसी सूचना आई थी, अभी मेरे को 9 बजे फोन आया तो मैं इंदौर से वहाँ गई देपालपुर, तो मेडिकल के लिए इनको लेके आई। पहले बेटमा गैंगरेप और अब ये मामला, एक के बाद एक लगातार होती गैंगरेप की वारदातों से इंदौर में दहशत का माहौल है। पुष्पेंद्र वैद्य, इंडिया टीवी, इंदौर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आबकारी विभाग ने शराब के अवैध ठिकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई की। जवाब में शराब माफियाओं ने पुलिस और आबकारी टीम पर खुलेआम पत्थरबाजी और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शराब माफियाओं पर कसा शिकंजा, तो जवाब में हुई पत्थरबाजी और फायरिंग। थोड़ी देर में पूरा इलाका बन गया जंग का मैदान। हंगामे की ये तस्वीरें मुरादाबाद के आदर्श नगर इलाके की हैं। आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि इस इलाके में अवैध रूप से शराब बनाने का काम हो रहा है। इस शराब का इस्तेमाल 3 मार्च को मुरादाबाद में होने वाले विधानसभा चुनाव में होना है, इसलिए गुरुवार को आबकारी विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर यहाँ छापे की कार्रवाई शुरू की। इलाके में पुलिस की कई गाड़ियां एक साथ पहुंचने से सनसनी फैल गई। पहले तो शराब माफियाओं के गुर्गे मौके से भाग खड़े हुए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इन लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने भी पत्थर का जवाब पत्थर से दिया। पुलिस की टीम इन लोगों पर भारी पड़ने लगी, तभी दूसरी ओर से फायरिंग होने लगी। एक बार तो पुलिस की टीम को पीछे हटना पड़ा, बाद में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब के इस काले कारोबार के असली माफिया कौन है। राजीव शर्मा, इंडिया टीवी, मुरादाबाद। अब हम आपको चिली के एसियन इलाके की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर हंगामा हो रहा है। ये तस्वीर है चिली के एसियन इलाके की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि भीड़ का गुस्सा पुलिस वालों पर किस तरह से निकल रहा है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। चिली में वेतन के साथ साथ तेल की कीमत कम करने की मांग की जा रही है।
राजधानी सैंटियागो में फिलहाल 40% महंगे दाम पर तेल की बिक्री की जा रही है, जिसे लेकर लगातार यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है।